हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास जो है वो सिर्फ 50 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 50 दिन में आपको प्रिपरेशन जो है वो इतने अच्छे तरीके से करनी है, इतने फोकस होकर करनी है कि इस साल आपका सिलेक्शन जो है वो एम्स में हो जाए और आप एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आगे कंटिन्यू कर पाए और जिससे नर्सिंग फील्ड में एक बहुत ही बेटर फ्यूचर जो है उसको बना पाए। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे कि मैम हमें एक बार ये बता दीजिए कि ऑल इंडिया में जो न्यू दिल्ली एम्स है उसके अलावा और कौन कौन से एम्स हैं और वो एम्स जो है वो कहां कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, और साथ ही साथ जो बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स में टोटल कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है। अब जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो आपकी मतलब ये उत्सुकता होती है ये जानने की कि हम ये जान पाए कि जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर सीट्स जो है वो कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब ये पता होगा कि एम्स में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा 2024 में, तो उसमें जो बीएससी नर्सिंग सीट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। यानी अब आप जो 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसको क्रैक करके जब आप एम्स में एडमिशन लोगे बीएससी नर्सिंग फील्ड में, तो बीएससी नर्सिंग की जो सीट है वो इंक्रीज हो गई है और साथ ही साथ एम्स के नंबर जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। मतलब जैसे पहले जो है वो 14 एम्स में आपका एडमिशन होता था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो 17 एम्स में आपका एडमिशन होगा। आप ऑल इंडिया में जो 17 एम्स हैं उनमें से किसी भी एक एम्स में एडमिशन लेकर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप थोड़ी से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम को क्रैक करके एम्स में जो आपका बीएससी नर्सिंग करने का जो सपना है वो आपका पूरा हो सकता है। अगर पे ये जो 50 दिन का टाइम बचा हुआ है इसमें अगर अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका जो सपना है कि आपका एम्स से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो, तो ये सपना जो है वो पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया में कहां कहां पर एम्स है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि एम्स न्यू दिल्ली के अलावा भी ऑल इंडिया में और भी एम्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया में अलग अलग जगहों पर कौन कौन से एम्स हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो टोटल एम्स हैं उनकी संख्या है 17, ठीक है, यानी ऑल इंडिया में टोटल 17 एम्स है। न्यू दिल्ली एम्स को मिलाकर ऑल इंडिया में टोटल 17 एम्स है, ठीक है, जिनमें आप बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एम्स के द्वारा उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और फिर आप अपने मार्क्स के बेसिस पर आपको कौन सा एम्स अलॉट होता है तो वहां पर एडमिशन लेके आप वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तो जो एम्स की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, हम जो भी एम्स जहां पर सिचुएटेड है उसके साथ उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली में जो एम्स है उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 96 सीट्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ये जो मैं टोटल सीट बता रही हूं ये सभी कैटेगरी की टोटल सीट्स हैं, ठीक है, मतलब सभी कैटेगरी को मिलाकर बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं ये मैं बता रही हूं, ठीक है। तो एम्स न्यू दिल्ली में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 96 सीट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा एम्स बठिंडा में टोटल 60 सीट है बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, उसके अलावा एम्स भोपाल में टोटल 90 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अलॉटेड है, ठीक है। इन 90 सीट्स पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। उसके अलावा एम्स भुवनेश्वर में टोटल 75 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए है, उसके अलावा एम्स बीबी नगर में टोटल 60 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है, ठीक है, उसके अलावा एम्स बिलासपुर में टोटल 40 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है, उसके अलावा जो देवगढ़ एम्स है उसमें जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए टोटल 60 सीट्स जो है वो अवेलेबल है, उसके अलावा एम्स जोधपुर में टोटल 100 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है, उसके अलावा एम्स कल्याणी में टोटल 60 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है, उसके अलावा एम्स मंगलगिरी में टोटल 100 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है, यानी मंगलगिरी एम्स में एम्स न्यू दिल्ली से भी ज्यादा सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए है, ठीक है।
उसके अलावा एम्स नागपुर में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 70 सीट्स हैं, उसके अलावा एम्स पटना में टोटल 75 सीट्स हैं। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट से हैं और जो एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एम्स पटना में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल जो है वो 75 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्स रायबरेली में टोटल 50 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल हैं, उसके अलावा एम्स रायपुर में टोटल 75 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल हैं, उसके अलावा एम्स ऋषिकेश में टोटल 100 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल हैं। यानी एम्स मंगलगिरी और एम्स ऋषिकेश जो है उसमें टोटल 100 सीट्स जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एम्स गुवाहाटी, जो भी स्टूडेंट्स असम से बिलोंग करते हैं और जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो एम्स गुवाहाटी है वहां पर टोटल जो है वो 60 सीट्स बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल हैं। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इस तरीके से देखा जाए तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उस एग्जाम के थ्रू टोटल 1231 सीट जो बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है उन पर एडमिशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इस एग्जाम के थ्रू जो एडमिशन होगा वो टोटल 1231 सीट पर होगा। ठीक है, तो 1231 सीट जो है वो बहुत ही है अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। ठीक है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस तरीके से कर लो और जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिजिक्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है उसके चांसेस जो है वो इस साल बहुत ज्यादा है। आप अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चंस करते हो और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो इस साल एम्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स में हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करने में आपका क्या चला जाएगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर अच्छे से इन 50 दिन में पढ़ लोगे तो आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा और आपका जो सपना है कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करें तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग फील्ड में आप बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो है उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे।